हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है इम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग इम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे थे। आज जो है इसी को डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 13 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 12 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1, 2, 12 देख लें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट रेशियो भी 1.29:1.32:1.95 ऑफ कंपाउंड एक्स बाई जेड, इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू व्हाट। तो कोई कंपाउंड है जिसमें कि आपका तीन एलिमेंट है, एक्स वाई और जेड, और इन तीनों एलिमेंट का रेशियो दिया हुआ 1.29:1.32:1.95। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक्स वाई और जेड का रेशियो तो पता है, लेकिन हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर एक्स का 1.29 एलिमेंट रहेगा तो 1.32 एलिमेंट वाई का रहेगा और 1.95 एलिमेंट जेड का रहेगा। फ्रैक्शन का मतलब आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि एक्स का 129 एलिमेंट है तो वाई का जो है 132 एलिमेंट्स होगा और जेड का 195 एलिमेंट होगा। तभी तो ये 1.29:1.32:1.95 के रेशियो में है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिए, इन तीनों में जो सबसे मिनिमम है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो इन तीनों में सबसे मिनिमम है 1.29, तो 1.29 से सभी को डिवाइड कीजिए। तो ये 1.29 / 1.29, 1.32 / 1.29 और 1.95 / 1.29। तो ये जो है ये तो वन हो जाएगा, ये लगभग वन होगा, तो इसको भी 1:1 ही लिखिए, क्योंकि टू तो हो नहीं सकता है। टू होने के लिए 2.58 होना चाहिए, जो कि है नहीं, ये ही लगभग वन ही है। तो 1:1:1.53, ये लगभग 1.5 टाइम्स है। तो 1.29 से जो डिवाइड कीजिएगा तो 1.53 आएगा। तो ये आपका रेशियो है 1:1:1.53। अब होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, ये तो फ्रैक्शन ही है, दो तो होल नंबर में है, तीसरा फ्रैक्शन में है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, मतलब 2:2:3 के रेशियो में है। मतलब एक्स का अगर दो एलिमेंट रहेगा तो वाई का 2 एलिमेंट्स रहेगा और जेड का 3 एलिमेंट्स रहेगा। तो ये हो गया 2:2:3, ये होल नंबर रेशियो हो गया। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला में 2:2:3 के रेशियो में एक्स वाई और जेड होगा। इम्पेरिकल फॉर्मूला का डिफिनेशन हम बता चुके थे पिछले लेक्चर में। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा x2 / 2 z3। तो इस तरह से इम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में भी हम देखे थे कि जब कार्बन का जो रेशियो था 40% और कुछ कुछ था, हाइड्रोजन का भी 20/3% और ऑक्सीजन का 60/3%। तो इससे पहले मान लिए थे कि आपके पास 100 ग्राम सैंपल है, तो 40 ग्राम कार्बन, 20/3 ग्राम हाइड्रोजन, तो वेट निकल गया हर एक एलिमेंट का, और उसको हम मोल से डिवाइड किए, सॉरी जीएमएम से डिवाइड किए, ग्राम मोलिकुलर मास से, तो मोल आ गया। मतलब कार्बन का कितना मोल होगा, ऑक्सीजन का कितना मोल होगा, हाइड्रोजन का कितना मोल होगा। उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो मोल का रेशियो था, कुछ रेशियो आया था ना जीएमएम निकालने के बाद, उसमें जो मिनिमम था उसी से डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे भी रेशियो तो पता है कि एक्स एलिमेंट, वाई एलिमेंट और जेड एलिमेंट का क्या रेशियो है। तो सिंपलेस्ट में करने के लिए पहले सबसे मिनिमम से डिवाइड कर दिए, उसके बाद फिर देखे कि ये होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट नहीं हुआ है 1:1:1.53। तो इसको 1.5 से होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी होल नंबर में आ गया, मतलब 3, और ये 2:2:2, ये तो पहले से भी होल नंबर में था ये दोनों, लेकिन ये वाला नहीं था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है एक्स वाई और जेड का। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया x2/2 z3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स 40% आयरन, फाइंड इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आपके पास आयरन का ऑक्साइड है, मतलब आयरन होगा और ऑक्सीजन होगा उसमें पड़ी है, तो इसमें जो मोल परसेंट है आयरन का वो दिया हुआ है कि 40 मोल परसेंट है। मोल परसेंट क्या होता है, मोल ऑफ एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू 100, यही तो मोल परसेंट होता है। मतलब आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास टोटल मोल जो है वो
100 मोल है, तो 100 मोल टोटल है, तो 100 का 40% मोल आयरन का होगा, तो आयरन का मोल होगा 40 100 में से, और ऑक्सीजन का कितना होगा, आयरन का मोल है 40%, तो 60% मोल होगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मोल होगा 60, तो आयरन इज टू ऑक्सीजन, इसका रेशियो होगा 40:60, मतलब अगर आयरन का 40 मोल रहेगा तो ऑक्सीजन का 60 मोल रहेगा। आप 100 की जगह कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 200 मोल है, तो 200 का 40% फिर से 80 हो जाएगा, तो ये भी 120 हो जाएगा, मतलब इसका रेशियो हमेशा 40:60 ही रहेगा। इसको आप 4:6 का रेशियो बोल सकते हैं 40:60 को, और सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2:3 रहेगा, मतलब आयरन का जब 2 मोल रहेगा तो ऑक्सीजन का 3 मोल रहेगा, तभी तो मोल परसेंट हमेशा 40% होगा। देखिए मोल परसेंट ऑफ आयरन निकालिए, अगर 2 मोल आयरन का है 3 मोल ऑक्सीजन का है, तो मोल परसेंट ऑफ आयरन होगा 2 मोल ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल है 5 × 100, तो ये हो जाएगा 20 × 2 40%। सिमिलरली ऑक्सीजन का 60%, क्योंकि तीसरा कोई एलिमेंट तो है नहीं, टोटल नंबर ऑफ मोल 100% के इक्वल तो होगा ही, तो इस तरह से 2:3 के रेशियो में आयरन और ऑक्सीजन रहेगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3, मतलब 2 ऑक्सीजन और 3 सॉरी 2 आयरन और 3 ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 10.5 ग्राम कार्बन पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इट्स वेपर डेंसिटी इक्वल टू 46, इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू व्हाट। तो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है हाइड्रोकार्बन का, जिसका कि वेपर डेंसिटी पता है 46 है, तो वेपर डेंसिटी अगर 46 है तो ग्राम मोलिकुलर मास या फिर मोलिकुलर वेट ये कितना होगा, 46 × 2 90 होगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है जीएमएम डिवाइडेड बाय 2, तो जीएमएम हो जाएगा वेपर डेंसिटी का डबल, वेपर डेंसिटी इंटू 2, तो मोलिकुलर वेट आपको पता है 92। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम रहेगा तो कार्बन का 10.5 ग्राम है पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का वेट बढ़ेगा तो कार्बन का भी वेट बढ़ेगा, तो आप मान लीजिए कि हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम ही है तो कार्बन का वेट होगा 10.5 ग्राम। ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर्यंत रहता है हाइड्रोकार्बन में, तो मान लीजिए कि एक्स एटम है कार्बन का और वाई एटम है हाइड्रोजन का, ये एक्स और वाई ही तो पता करना होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। अब अगर इस सैंपल का ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका अगर 11.5 ग्राम वेट है तो उसमें 10.5 ग्राम कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वेट में और 1 ग्राम हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इसका डबल कर दीजिएगा तो 10.5 का डबल जो है कार्बन कंट्रीब्यूट करेगा और 1 × 2 डबल 2 ग्राम हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा, तो इतना ग्राम कार्बन इतना ग्राम हाइड्रोजन। अब मोल आप निकाल सकते हैं, कार्बन का वेट अगर इतना है तो इसको अगर आप जीएमएम से डिवाइड कर दीजिएगा तो इतना मोल कार्बन का रहेगा, सिमिलरली हाइड्रोजन का मोल हो जाएगा 1 / 1, क्योंकि ग्राम मोलिकुलर मास 1 होता है, तो ये जो है 7/8 होगा। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन का है तो 7/8 मोल कार्बन का है, कहने का मतलब ये 7/8:1 के रेशियो में है कार्बन इज टू हाइड्रोजन, या फिर इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 7:8 हो जाएगा। अगर 8 मोल हाइड्रोजन का हो गया तो ये भी तो 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 7/8 का 8 × 7 हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ये है 7:8, तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन जो है वो 7:8 के रेशियो में प्रेजेंट है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C7H8। इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट कितना होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट हो जाएगा 12 × 7 + 8, तो ये जो है 92 ही आता है। इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट पता है 92, मोलिकुलर फॉर्मूला का वेट भी पता है, ये भी 92 है 92, तो n का वैल्यू पता चल जाएगा, n का वैल्यू होगा मोलिकुलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, तो ये जो है 1 आ रहा है 92 / 92, मतलब जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आया है वही आपका मोलिकुलर फॉर्मूला भी आएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा C7H8। इसका जब आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालिएगा तो ये 7:8 ही रहेगा, ये फर्दर डिवाइड होगा नहीं, जैसे आपके पास C2H6 रहता है इथेन, तो इस केस में मोलिकुलर फॉर्मूला तो 2:6 के रेशियो में है, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए 1:3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा इथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जबकि C7H8 के केस में
7:8 ही रहेगा, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ऑलरेडी है, तो इसलिए फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा। अगर CH3 रहता आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ रहता कि 12 + 3 15 × 3, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको 30 दिया हुआ रहता, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो 15 ही आ रहा है, मतलब इसको आप डबल कीजिएगा तब जाके आपका मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा 2। तो इसलिए इथेन अगर कंपाउंड रहता तो उस केस में CH3 को डबल करना पड़ता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यही मोलिकुलर फॉर्मूला भी होगा और यही इम्पेरिकल फॉर्मूला भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है। इसका वेट है आपके पास 3.1 ग्राम, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड 3.1 ग्राम है आपके पास। इसका रिएक्शन जब O2 से करवाते हैं तो CO2 बनता है +3/2 H2O, ये बैलेंसिंग रिएक्शन है। तो जो CO2 बन रहा है वो 4.4 ग्राम बन रहा है, 3.1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन जब O2 से करवाते हैं तो जो CO2 बनता है वो 4.4 ग्राम बनता है और जो H2O बनता है वो 2.7 ग्राम बनता है। तो आपको बताना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और दिया हुआ है कि एक मोलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 2 है, मतलब एक मोलिक्यूल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, ये फिक्स है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि ये जो CO2 में कार्बन आया है ये कहाँ से आया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही कार्बन आया है, मतलब ये जो कार्बन का वेट है CO2 में, ये 3.1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन का वेट होगा यही कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन ऑक्सीजन से कर रहे हैं तो कार्बन तो इधर है नहीं, तो जितना भी कार्बन का वेट होगा वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ये 3.1 ग्राम में हाइड्रोजन का वेट है वही हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ है, तो ये जो H2O में हाइड्रोजन है ये सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। ऑक्सीजन का आप नहीं बता सकते यहाँ से, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी प्रेजेंट है और एयर से भी ऑक्सीजन आ रहा है, तो कितना अमाउंट ऑक्सीजन जो है वो एयर से आया है कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये आप बता नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, कार्बन के कारण वेट पता चल गया कि ये जो 3.1 ग्राम है इसमें कार्बन के कारण कितना वेट है, हाइड्रोजन के कारण कितना वेट है, तो ऑक्सीजन ही तो एक बचा है, 3.1 माइनस वेट ऑफ कार्बन माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे तो वेट ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाएगा, मतलब ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मतलब ऑक्सीजन का कितना वेट है ये पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे CO2 में कार्बन का वेट कितना है, इसके लिए ग्राम मोलिकुलर मास CO2 का बताइए, तो ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा CO2 का, 12 + 16 × 2 44 ग्राम। तो 44 ग्राम में कार्बन का कंट्रीब्यूशन है 12 ग्राम, मतलब अगर CO2 का वेट 44 ग्राम होता है तो उसमें कार्बन 12 ग्राम रहेगा, तो 1 ग्राम अगर CO2 है तो उस केस में कार्बन 12/44 ग्राम होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो 4.4 ग्राम CO2 बन रहा है, मतलब 4.4 ग्राम CO2 में जो है कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो 12/44 × 4.4, तो ये जो है 1.2 ग्राम होगा। तो 4.4 ग्राम CO2 में कार्बन के कारण वेट होगा 1.2 ग्राम, और ये वेट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण आएगा, और ये जो 1.2 ग्राम है कार्बन का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आएगा, मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के कारण वेट होगा 1.2 ग्राम। तो 3.1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1.2 ग्राम वेट कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिमिलरली आप यहाँ से हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, तो हाइड्रोजन के केस में ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, 2 + 16 = 18, 18 ग्राम में जो है 2 ग्राम, 18 ग्राम में 2 ग्राम वेट हाइड्रोजन के कारण आ रहा है, तो अगर 1 ग्राम H2O रहता तो उस केस में 2/18 ग्राम हाइड्रोजन के कारण वेट होता, आपके पास H2O प्रोड्यूस हुआ है 2.7 ग्राम, तो 2.7 ग्राम के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा 2/18 × 2.7, तो ये जो है 2, 3, मतलब ये इस तरह से 0.3 ग्राम होगा, 2.7 × 2/18,
तो वेट ऑफ हाइड्रोजन होगा 0.3 ग्राम। ये जो 2.7 ग्राम H2O प्रोड्यूस हुआ है, इसमें से 0.3 ग्राम हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी 2.4 ग्राम ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये हाइड्रोजन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया है, मतलब इस 3.1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में 0.3 ग्राम हाइड्रोजन है। तो वेट ऑफ कार्बन आ गया 1.2, वेट ऑफ हाइड्रोजन आ गया, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन का वेट पता चल गया, तो ऑक्सीजन कितना वेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3.1 माइनस वेट ऑफ कार्बन, सॉरी 1.2, और माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन 0.3, तो 3.1 माइनस 1.5 तो 1.6 ग्राम। तो 3.1 ग्राम में ऑक्सीजन का वेट होगा 1.6 ग्राम। तो ये पता चल गया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास 3.1 ग्राम है, तो उसमें कार्बन कितना वेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑक्सीजन कितना वेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हाइड्रोजन कितना वेट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मोल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पता चल जाएगा, कार्बन इंटू हाइड्रोजन इंटू ऑक्सीजन का मोल रेशियो होगा 1.2 डिवाइडेड बाई 12। हाइड्रोजन का होगा दिस डिवाइडेड बाई 1, तो ये तो 0.3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होगा 1.6 डिवाइडेड बाई 16। तो कार्बन का अगर 0.1 मोल है, तो हाइड्रोजन का 0.3 मोल होगा, और ऑक्सीजन का भी 0.1 मोल हो जाएगा। ये इस तरह से देखिए, कार्बन इंटू हाइड्रोजन इंटू ऑक्सीजन का मोल पता चल जाएगा, 1:3:1 के रेशियो में रहेगा। मतलब अगर एक कार्बन एटम रहेगा तो 3 हाइड्रोजन एटम रहेगा और एक ऑक्सीजन एटम रहेगा। तभी अगर 3.1 ग्राम इस सैंपल का है, तो उसमें 1.2 ग्राम कार्बन का होगा, 0.3 ग्राम हाइड्रोजन का होगा, और 1.6 ग्राम ऑक्सीजन का होगा। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे आप CO2 में कार्बन का निकाले थे, उस तरह से देखिए। हाँ, CH3O का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, 12 प्लस 3, हाइड्रोजन के कारण 1:3:3 प्लस 16, तो ये होगा 31 ग्राम। तो 31 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन, 3 ग्राम हाइड्रोजन, 6 ग्राम सॉरी 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब इसका 1/10 कर दीजिए, मतलब यदि 1 मोल है CH3O, कहने का मतलब 31 ग्राम अगर CH3O है, तो उसमें 12 ग्राम कार्बन के कारण, 3 ग्राम हाइड्रोजन के कारण, 16 ग्राम ऑक्सीजन के कारण। तो 1/10 मोल कर दीजिए, मतलब 3.1 ग्राम है आपके पास, तो सभी का वेट 1/10 हो जाएगा, 1.2 ग्राम कार्बन के कारण, 0.3 ग्राम हाइड्रोजन के कारण, 1.6 ग्राम ऑक्सीजन के कारण। या फिर दूसरा तरीका इस तरह से कि 31 ग्राम CH3O में से कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा है 12 ग्राम, तो अगर 1 ग्राम रहता CH3O, तो कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करता, 12/31 ग्राम। तो 3.1 ग्राम अगर है CH3O, तो कार्बन कंट्रीब्यूट करेगा 12/31 × 3.1, तो ये जो है 10 टाइम्स होगा, तो ये 12/10 1.2 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली आप कीजिएगा कि 31 ग्राम CH3O में से हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा है 3 ग्राम, तो यहाँ 3 होते जाएगा, यहाँ भी 3, तो 3/10 0.3 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 16 हो जाएगा, 31 ग्राम CH3O में से ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है 16 ग्राम, तो 1 ग्राम में 16/31, तो 3.1 ग्राम में 16/31 × 3.1, तो 16/10 1.6 ग्राम। अब ये इम्पेरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो यही होगा हमेशा। अब इसको आप मोलिकुलर फॉर्मूला इसका डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, क्योंकि सभी का मास डबल होगा। जैसे 31 से 62 ग्राम हो जाएगा, अगर आप डबल कीजिएगा मोलिकुलर फॉर्मूला, तो इसका भी तो मास 24 होगा, 12 × 2, इसका भी 6, इसका भी 32, मतलब 64 ग्राम में, 64 ग्राम में 24 ग्राम, तो 24/64 हो जाएगा। इस केस में 12/31 कीजिए या 24/64 कीजिए, बात तो बराबर ही, सॉरी 64 नहीं, 62 होगा, मतलब 62 इसका डबल। तो सब कुछ डबल होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही परसेंटेज कंपोजिशन हो जाता है, क्योंकि इसी रेशियो में हमेशा बढ़ेगा, सभी का अमाउंट बढ़ेगा। इसलिए अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मोलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल गया, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको 2 करना है, मतलब इसको पूरे को डबल करना पड़ेगा मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए। तो इसलिए मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6O2, इम्पेरिकल फॉर्मूला का डबल। तो इस तरह से मोलिकुलर फॉर्मूला पता चल गया। इम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग एक बार कीजिएगा सभी क्वेश्चन को ढंग से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें,
और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।